मैडम इतना चिल्ला क्यों रही है, पहले ये बताइए। अरे मैडम चिल्ला क्यों बस आपको रही है? आपने यही सीखा है हिंदू का? सुनो एक बात सुनो, यही सीखा है, यही शिक्षा है, शिक्षा बेरोजगारी इतनी महंगी। जब रतन लाल जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो कहाँ से शिक्षा आएगी? जब रतन लाल जी का टीचर पढ़ाएंगे तो शिक्षा कहाँ से आएगी? अभी फैसला आना बाकी है। यह देखिए आप किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले ये छात्र संगी छात्र किस तरीके से देखिए लड़ाई तक करने को उतारू हो गए हैं। मारने पीटने को एक महिला पर किस तरीके से मारपीट करने को उतारू हो गए हैं ये छात्र नहीं संगी है। आप सामने देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनके सामने एक महिला के ऊपर हाथ चला दिया जा रहा है, मारने पीटने तक को उतारू हो चुके हैं पुलिस वाले खड़े हुए हाथ पे हाथ धर के। ये देखिए संगियों की मानसिकता, इस तरीके की मानसिकता के लोग। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज, जी हाँ वही हिंदू कॉलेज जहाँ से प्रोफेसर रतन लाल जी ने एक ट्वीट किया था और यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और यहाँ पर अब कुछ छात्र जो है उनका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है सभी छात्र, तो उन्हीं से हम लोग बात करेंगे और जानते हैं। क्या नाम है आपका? तन्मय शर्मा। तन्मय शर्मा जी हैं, हिंदू हैं? हिंदू हैं। बाकी जो अभी किस लिए विरोध कर रहे हैं? एक बात बताइए, आपने ये बात क्यों पूछी? हिंदू हैं इसलिए क्योंकि अभी आप लोग बोल रहे हैं हमारी हिंदुओं की आहत होती है। मैंने तो ये बोला नहीं। आत्माएं आहत होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, आप विरोध किस लिए कर रहे हैं रतन लाल जी? उन्होंने जो टिप्पणी दी शिवलिंग पे कि शिव जी का भी खतना हुआ है, ये बात गलत है, इस पे विरोध कर रहे हैं। क्या खतना? क्या अगर इतिहासकार हैं, अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया, अगर उन्होंने सच्चाई लिख दी, क्या एक विषय पहले सुनिए। कौन सा चैनल है? जनहित आवाज। हाँ। अरे जनहित आवाज, शर्म करो। हाँ हाँ बिल्कुल शर्म करेंगे, बिल्कुल शर्म करेंगे आप जल्द लोग। पहले मेरी बात सुनिए, आ जाइए, यही रुक जाइए, भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? सच्चाई से भाग रहे हैं ना, सच्चाई से भाग रहे हैं। रुक जाइए ना, मैं सवाल कर रही हूँ आप लोगों से। सवाल करेंगे, सवाल कर रही हूँ, किसी का भी मेरा काम सवाल करना है। रुक जाइए, पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे ये बताइए कि क्या विशेष अधिकार आप सिर्फ विशेष लोगों को ही मिला हुआ है? नहीं, सब लोगों को यहाँ सवाल करने का अधिकार मिला है, लेकिन हमारे हिंदुओं पे क्यों सवाल? हमारे देवी देवता पे क्यों? प्रोफेसर रतन लाल जी हिंदू नहीं है, रतन लाल जी हिंदू नहीं है, लेकिन वो हिंदू होकर के ऐसा सवाल अगर करते हैं हमारे देवी देवता पे कि शिव जी का खतना कर दिया गया, अगर हम उनके लिए खतना कर दिया, पहले ये बताइए क्या साक्ष्य मिल गए हैं वहाँ शिवलिंग है? उन्होंने बिल्कुल मिल गए। आप लोग आपको भरोसा नहीं है न्यायालय पे? न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है, हमें तो न्यायालय पे हमेशा भरोसा है। और न्यायालय आपके चिल्लाने से मदीना को कैसे मानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन। आज तक पूरा नाम बताइए। सचिन चंदपुरिया। आज तक हमारे किसी हिंदू भाई ने मक्का मदीना? पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं आप लोग? छात्र हैं आप लोग? कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या चीज में पढ़ाई कर रहे हैं आप? संस्कृत ऑनर्स है हमारा। संस्कृत ऑनर्स है, तो धार्मिक जो है आपकी आहत हो रही है भावनाएं? बिल्कुल आहत हो रही है हमारी भावनाओं पर। अच्छा, बिल्कुल हो रही है। जो मुस्लिम है उनके लिए मारने काटने की बात की जाती है? नहीं की जाती है, मारने का करते हैं। अरे भाई करते हैं तो उनपे कार्रवाई भी होती है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, तो धर्म संसद लगते हैं वहाँ मारने काटने की बात कर रहे हो? हम थोड़ी करते हैं। हम मेरा नाम रजत है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका। राधे, थैंक यू। तो ना तो हम भक्त हैं भगवान के। जी बिल्कुल भक्त हैं। तो ना तो हम बात करते हैं किसी मुस्लिम के वो ऐसे मारने काटने की, और ना तो जो वो कौन लोग हैं जो धर्म संसद सजाते और मारने काटने की बात करते हैं, महिलाओं की रेप करने की बात करते हैं? मैम आप सुन लिए, तो जो उसमें ऐसी बात करते हैं हम उनका भी समर्थन नहीं करते हैं। हम किसी पॉलिटिकल तो जो लोग मुझे ये बताइए, पहले भाई साहब ये बताइए, क्या आप लोग जज बन गए हैं कि वहाँ शिवलिंग है? जज नहीं बने हम लोग, लेकिन मीडिया जज बन गया है कि वो रतन लाल जी दोषी है। थोड़ी ना डिसाइड करता है मीडिया, पूरा काम कर रहा है एजेंडे पे, ठीक है? उन्होंने तो दोषी करार दे दिया, रतन लाल जी को मौका भी नहीं दिया। किसको तो दोषी करार? जब आप दोष गलत काम करिएगा तो दोष। ये बताइए, गौतम बुद्ध जी के मंदिरों को किसने तोड़ा?
गौतम बड़ा इतिहास हमने तोड़ा, हमने तोड़ा सवाल कर रहे हैं, हमने तोड़ा गौतम। आपने देखा ही नहीं भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे? देखा क्या? ये आलम है हमारा, ये हमारा दोस्त है, गरम जोश, खून, ये हमारा दोस्त है, आजम खान बोल रहा हूँ मैं, आलम है हमारा दोस्त, ये भी आया है प्रोटेस्ट करवाने आया है, आजम खान बता रहा हूँ ना, ये हमारे साथ आए हैं प्रोटेस्ट करवाने आए हैं, और ये बोल रहे स्टेटमेंट है वो बात कर लो भाई साहब। हाँ बोल बोल आलम जी, किस तरीके से देश में हो रहा है आपको मालूम है? हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, आपको पता होगा, आप भी तो रिपोर्टर हो। मेरे को तो मालूम भाई साहब, आ जाइए ना, आ जाइए, मैं सबसे कर रही हूँ एक एक बार, मगर आप लोग चिल्लाते बहुत। मैं बिल्कुल आराम, इनको नहीं पता देश में जो भाई साहब, मुझे तो मालूम है हिंदू की भावनाओं को चोट करती है मीडिया, यहाँ सवाल करती है, बिल्कुल आप ऐसी सवाल करती हैं और हिंदू की भावना को चोट करती हैं। आप ही विशेष लोग, एक सेकंड, आपने कहा धर्म संसद लगाते हैं, मारने काटने की बात करते हैं हिंदू, ठीक है, और आप अभी जो अभद्र टिप्पणी हो रही है रतन लाल जी के ट्वीट में, 10 में से 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम क्यों हैं? इसका जवाब है आपको, जो मारने काटने की बात टेररिस्ट यहाँ पर है पाकिस्तान, इंडिया में भी है, इंडिया में भी यही होते हैं, यही टेररिस्ट, मतलब मुस्लिम है तो टेररिस्ट, मुस्लिम नहीं, आपने कैसे कहा धर्म संसद में हमेशा उल्टा है, कहाँ से? मैं आपको पर्सनली हिट नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद इसी विचारधारा से आती हैं क्या? जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं, आप जिस प्रकार से बात कर रही हैं, धर्म संसद हमारे यहाँ पास लगती है, इनकी कोई धर्म संसद नहीं, ये फतवा जारी नहीं करते हैं, कितने मुस्लिम फतवा जारी नहीं करते हैं, आपने कहा, अरे बात कर रहे हैं, 22 करोड़ है मुस्लिम, 22 करोड़ है माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं भाई साहब, चिल्लाना ही आता है आप लोगों को, चिल्लाना ही आता है, क्या हुआ? जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है आप लोगों को, दे रहा रतन लाल तुम शर्म करो, जवाब नहीं है आप लोगों के पास, रतन लाल तुम शर्म करो, किस लिए शर्म? बस एक ही, किस लिए शर्म? हमारे देवता जनहित आवाज, हाय हाय, बिल्कुल हाय हाय करिए, मेरा नाम भी जान लीजिए, पूजा है, मेरे लिए भी हाय हाय करिए, नहीं क्यों आपके लिए माया करे? रतन लाल जी शर्म क्यों करें पहले ये बताइए, आपके बारे में कुछ टिप्पणी करिए, बिल्कुल हाय हाय करेंगे, करिए टिप्पणी, टिप्पणी करिए महादेव के बारे में, भाई साहब ये बताइए, अरे हाय हाय सुनना तो टिप्पणी करिए ना, किस तरीके की टिप्पणी करूं? पहले आपके पास तो सवाल ही नहीं मिला, मैंने पूछा गौतम बुद्ध के मंदिरों को किसने तोड़ा, आपके पास जवाब है? और मंदिर को किसने तोड़ा आप मुझे बता सकते हैं? किसने तोड़ा हमारे गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को किसने तोड़ा? अच्छा एक बात बताइए, इधर आ जाइए, पहले एक बात बताइए, जो अभी काशी कॉरिडोर बना वहाँ इतने शिवलिंग टूटे हुए मिले, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, फिर अब यहाँ हमारी भावनाओं को आहत हुई, वहाँ इतने शिवलिंग टूटे, हमारे आप लोग नहीं चिल्ला, शिक्षक हमारे शिक्षक ऐसे बयान, प्रोटेस्ट किया आप आए नहीं, आपने देखा नहीं, जिस भी मस्जिद में आपको बस शिवलिंग दिख जाए आप चिल्लाने लगते हैं, और दिखने को ही आप साक्ष्य मान लेते हैं, तो मस्जिद में अगर शिवलिंग है कोई गलत बात है क्या? अगर न्यायालय पे भरोसा सेकुलर है, आपकी कहानी है ना कि इंडिया न्यायालय पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल है, हमें तो न्यायालय पे हमें क्यों रहे हमें तो हमारे लिए, आपने जो कहा एक सेकंड, आपने जो कहा काशी कॉरिडोर में बहुत सारे शिवलिंग मिले, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, आप चलो आप मक्का, एक सेकंड आप क्यों भाई साहब सवालों से डर लगता है? एक बात बताइए ना, सवालों से डर लगता बताइए, चिल्ला क्यों रहा है? मैडम इतना चिल्ला क्यों रही है पहले ये बताइए, अरे मैडम चिल्ला क्यों रही है? आपको आपने यही सीखा है हिंदू, सुनो एक बात सुनो, यही सीखा है, यही शिक्षा है, शिक्षा बेरोजगारी इतनी महंगी, अपने सवाल पूछिए, शिक्षा और बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे, चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए ना, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप लोग पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए, देश में इतनी बेरोजगारी हो रही है, रुपया नीचे गिर चुका है, शिक्षा का स्तर घट चुका है, आप लोग चिल्ला रहे शिवलिंग शिवलिंग, छात्र है कि क्या है? पैसे देके आए, पैसे दिए गए आए नहीं है, पैसे देके नहीं आए हैं, हमारी भावना, हमारी भावना है, अंधी मीडिया यहाँ चिल्लाने के लिए कितना पैसा, कितने पैसे मिले यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, निष्पक्ष तो मैं भी यहाँ पे निष्पक्ष, आपको सवालों से दिक्कत हो, मैं भी निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे आया हूँ, अपना प्रदर्शन रखने आया हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे, चिल्ला
जवाब दे रहे हैं, आप बेतुका सवाल कर रहे हैं, आप मेरी एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक बात बताइए आप, एक्टिंग बहुत अच्छी कह रहे हैं कि मंदिरों के उधर बुद्ध के मंदिर टूटे वो मंदिर, शिक्षा बेरोजगारी पूछा आपके पास मुंह से जवाब, बात सुनिए एक बात सुन सुनिए ना, यहाँ पे शिक्षा बेरोजगारी का मुद्दा क्या है, यहाँ पे शिक्षा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे क्या है मुद्दा नहीं है, अभी के टाइम पे क्या है स्टूडेंट नहीं हो क्या, अभी आप प्रोटेस्ट के लिए आई है ना, अरे स्टूडेंट नहीं हो, मैं स्टूडेंट वो हमारा मुद्दा है, अभी मुद्दा नहीं है, एकदम है एकदम है, अभी अभी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, रतन लाल जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो कहाँ से शिक्षा आएगी, जब रतन लाल जी से टीचर पढ़ाएंगे तो शिक्षा कहाँ से आएगी, नव रतन लाल जी टीचर पढ़ाएंगे मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब अभद्र टिप्पणी करने वाले, अभद्र टिप्पणी हो गई, एक इतिहासकार अगर टिप्पणी कर रहा है तो क्या यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या, एक विशेष संविधान पढ़े हो कि नहीं, पढ़े पढ़े सब पढ़े, संविधान पढ़े हो कि नहीं भाई, पढ़े एक विशेष जाति को लेकर आप अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती, संविधान पढ़े है कि नहीं, बिल्कुल बताइए आप क्या 19 में क्या लिखा है बताइए, इतना तो हमने नहीं पढ़ा, बीकॉम का छात्र हूं मैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, यहाँ जो टॉपिक है आप उससे रिलेटेड पूछिए, चिल्लाने आ रहे हैं आर्टिकल 19 नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, हम लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लॉ के स्टूडेंट नहीं है, अरे बीकॉम वाला भारत का संविधान लॉ के स्टूडेंट नहीं है, भाई साहब सुनिए मेरी बात, लॉ के स्टूडेंट नहीं है जो आप कह रही हैं, लॉ के स्टूडेंट को ही पता होगा, जिस तरीके से आप टॉपिक डाइवर्ट कर रही हैं वो संविधान की प्रस्तावना, टेस्ट हो रहा है एक प्रोफेसर के खिलाफ, संविधान की प्रस्तावना एक एक को पता होती है, क्या पता होती है, संविधान की प्रस्तावना छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होती है, छोटे क्लास के बच्चे को भी पता होती है, बता दीजिए अगर वो बता, नहीं मालूम, आर्टिकल 79 पढ़ाई कर लेता हूँ, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लिखने की बोलने की, दूसरे कम्युनिटी का हर्ट करने की आजादी नहीं है, किसी कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को हर्ट किया उसने, शिव को, शिवलिंग देखा है, बिल्कुल देखा है, पूजा किया हमारे भगवान है वो, शिवलिंग देखा आप, देखा है बिल्कुल देखा है, देख लिया साक्ष्य मिला है, अभी बिल्कुल मिला है, फैसला आना बाकी मिला है, अभी फैसला आना बाकी है, ओ ओ ओ ये देखिए आप किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले ये छात्र संघी छात्र किस तरीके से देखिए लड़ाई तक करने का उतारू हो गए हैं, मारने पीटने को एक महिला पर किस तरीके से मारपीट करने को उतारू हो गए हैं, ये छात्र नहीं संघी है, आप सामने देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनके सामने एक महिला के ऊपर हाथ चला दिया जा रहा है, मारने पीटने तक को उतारू हो चुके हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हाथ पे हाथ धर के, ये देखिए संघियों की मानसिकता।